अमन जरा इसे टेस्ट करके बताना कैसी बनी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं काजून पोटैटो। इसके लिए हमने लगभग आधा केजी बेबी पोटैटो लिया है। इसको हम 2 सीटी या 1 सीटी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पोटैटो बॉयल उबाल आने तक बॉयल करेंगे। काजून पोटैटो बनाने के लिए साइड में उसका एक स्प्रेड तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे मेयोनीज। ये थोड़ा सा मैंने चीज़ ले लिया है। उसमें हम डालेंगे टोमेटो केचप। मेरे पास मेरे वाले डब्बे नहीं थे केचप के, तो मैंने सैचेट यूज़ करा। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ओरिगानो और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उबले हुए आलू को हम लेके हल्का सा स्मैश करके एक ट्रे में डाल देंगे इस तरह से। ये हमारा बेकिंग ट्रे पे है, बट अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप तवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू स्मैश हो गए हैं, अब इसके ऊपर से हम हल्का सा इस पर ओलिव ऑयल स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। अब इस पर हमने ओलिव ऑयल लगा लिया है, अब इस पर हल्का सा नमक डाल देंगे। अब इस पर कोई भी नमक का यूज कर सकते हैं, मैंने इस पर पिंक सॉल्ट यूज किया। इनको अभी हम प्रीहीट कर देंगे 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। ओवन अब प्रीहीट हो गया है, अब हम इसको 180 से 200 डिग्री पे 5 से 10 मिनट तक बेक कर देंगे ताकि ये क्रिस्प हो जाए। तो हम कन्विक्शन मोड में, मैं यहाँ पे 200 डिग्री टेम्परेचर सेट कर रही हूँ और इसको 10 मिनट के लिए बेक कर दूँगी, इससे ये क्रिस्प हो जाएगा। आलू हमारे हो गए हैं, अब हम इन्हें ओवन से निकाल लेंगे। अब हम इसको प्लेट करेंगे। प्लेट करने के लिए बस आलू को प्लेट में निकाल रहे हैं। अब हमने जो वो स्प्रेड बनाया था उसको हम इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देंगे। गार्निश के लिए हम इसमें हल्का सा कच्चा प्याज, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स का यूज करेंगे। ये हमारा काजू पोटैटो बनके तैयार है।